नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए स्टडी जीके का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जो आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है, याद रखिएगा। किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है शून्य होता है। नेक्स्ट है कि भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के समय आने वाला विद्वान कौन था? तो अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी, यानी कि भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान अलबरूनी था। नेक्स्ट है कि नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है, ठीक है, किससे उत्पन्न होता है? नमक जो है ये हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl नमक का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? यानी कि राज्य विधानसभा की जो शक्ति है किस पर निर्भर करती है? तो जनता पर निर्भर करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट है कि व्हाइट हाउस वाशिंगटन में USA के राष्ट्रपति का कार्यालय है। क्या है? व्हाइट हाउस जो है ये वाशिंगटन में स्थित है सबसे पहले, और USA के राष्ट्रपति का कार्यालय है। जैसे कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन, ठीक है, ये उनका कार्यालय होगा व्हाइट हाउस। किन का? तो जो बाइडन का, जो 46वें राष्ट्रपति है। कौन? तो जो बाइडन। और 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है जिसका नाम है कमला हैरिस, ठीक है। क्या नाम है? कमला हैरिस। नेक्स्ट है कि शब्द फ्यूहरर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ, क्या हुआ? ये जो शब्द फ्यूहरर जो है ये हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक क्या कर सकता है? रोक सकता है, ठीक है। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहेब थे। कौन थे? यानी कि कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहेब थे। नेक्स्ट है कि द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है कि महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। किससे है? व्याकरण से, यानी कि महाभाष्य का जो संबंध है ये व्याकरण से है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 में लॉर्ड्स यानी कि लंदन के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कब खेला गया था? 1975 में। किसके बीच? भारत व इंग्लैंड के बीच, ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 में लॉर्ड्स यानी कि लंदन के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था, ठीक है। नेक्स्ट कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है, ठीक है। ये जो कचारी जनजाति का जो संबंध है ये असम राज्य से है। असम राज्य का एक प्रसिद्ध क्या है? बिहू, ठीक है, डांस है। बोडो एक भाषा बोली जाती है, वो भी असम ही बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में, ठीक है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। क्या है? यानी कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? क्या है? तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट है कि द ग्राउंड बिनीथ हर फीट के लेखक सलमान रशदी हैं। कौन है? द ग्राउंड बिनीथ हर फीट के लेखक है सलमान रशदी। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। याद रखिए कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है ये संविधान के, ठीक है, 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। किसका? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस कहाँ तक कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को किया गया था। इनके रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है ये 27 अप्रैल 1998 को किया गया था। नेक्स्ट है कि क्यूबिज्म, ठीक है, क्यूबिज्म का सूत्रपात
पाब्लो पिकासो ने किया था। किसने किया था? यानी कि क्यूबिज्म का जो सूत्रपात है ये पाब्लो पिकासो ने किया था। नेक्स्ट है कि नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। किस पर अवस्थित है? यानी कि नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। अच्छा, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है कि बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। किसका है? यानी कि बीबी का जो मकबरा है ये औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती। याद रखिएगा कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? यानी कि लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि टमाटर एक क्या है? टमाटर एक फल है, ये तो आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है, और आपसे अगर पूछ दे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, लौंग जो है ये फूल की कली से प्राप्त किया जाता है, लौंग। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। क्या है? स्विट्जरलैंड का जो उपनाम है ये प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। क्या है? सबसे प्राचीनतम स्मारक जो है ये क्या है? अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो HM इरशाद थे। कौन थे? सार्क का जो पहला अध्यक्ष थे कौन थे? HM इरशाद। अच्छा, ये बताइए कि सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना हुआ था 1985 को। इसके कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं, और सार्क का जो मुख्यालय स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा किए थे ये जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था, और जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस के यूनान में 1896 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1896 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा में स्थित है। जावा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया राजधानी क्या है? जाकार्ता। ठीक है, यानी कि बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है ये जावा में स्थित है। जावा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये भी एशिया महाद्वीप में स्थित है, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने क्या है, सो देखिए। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का अवधारणा सम्मिलित किया गया है। क्या किया गया है? यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। अच्छा, ये बताइए कि नीति निर्देशक तत्व भाग कितना में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, 36 से 51 तक है। भाग 4 में अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद अगर आपसे पूछ दे तो 36 से 51 होगा। क्या होगा? 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद और भाग 4 में। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच? यानी पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। अच्छा, प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को, और तृतीय हुआ था 1761 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए, अगला सवाल आपके सामने है कि कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। किस कहाँ किया था? यानी कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कहाँ किया था? गोलकुंडा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? यानी कि रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। कितना होता है? 19.30 सोना का अपेक्षित घनत्व होता है। अच्छा, सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 79 होता है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट है कि ठोस कोण की इकाई क्या होती है, तो अस्टेरेडियन क्या होती है, ठोस कोण की जो इकाई है वो अस्टेरेडियन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने क्या रहेगा, तो देखिए नेक्स्ट है कि बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। क्या है, यानी कि बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा है 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट है कि डायनमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है, डायनमो का जो आर्मेचर है ये इस्पात का बना होता है। और डायनमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। नेक्स्ट है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। कब हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है ये 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। कब बना, यानी कि भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है ये 26 जनवरी 1950 को बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है कि एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि जापान फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जापान फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट है कि आंख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। नेक्स्ट है कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। क्या करता है, बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। नेक्स्ट है कि संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी जो मिस्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, मिस्र में, यानी संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी जो कहाँ स्थित है, मिस्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। कौन है, रघुवंशम के लेखक कौन है, कालिदास। नेक्स्ट है कि हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट यानी कि रचित हर्षचरित हैं। कौन है, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित यानी कि हर्षचरित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेयरी का संबंध है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से, यानी प्रेरी का संबंध जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है, तो चीन जो है गेहूं का प्रथम उत्पादन है, और दूसरा कौन है, तो भारत है। ठीक है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है, तो चीन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ। कहाँ हुआ, यानी कि एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ। नेक्स्ट है कि लाल सागर का लाल रंग शैवाल के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लाल सागर का लाल रंग जो है ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है कि दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दामोदर घाटी में जो कोयला है रानीगंज बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी यानी दामोदर एक नदी है जिसे बंगाल का सोग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता है ये कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का जो चलन है ये 1862 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था। कब किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, यानी कि चौड़ा जिसको बोल सकते हैं, जलप्रपात जोग या गरसोप्पा सरस्वती नदी पर कर्नाटक में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा या फिर चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात सरस्वती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।